करेंगे इस वीडियो के अंदर, क्योंकि मैं पहले बता देता हूं यह पूरी तरह से जो है एक अनुमान के ऊपर आधारित है, एक अनुमान जो कि कई सारे जो है डाटा का एनालिसिस करने के बाद में निकला है। क्या इसका जो है एक प्रकार से अनुमान रह सकता है का, उसके ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन पूर्ण रूप से अनुमान पर आधारित है वो बनी जो हो सकती है उसकी पूरी तरह से कोई गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन हाँ फिर भी यह एक ऐसा अनुमान है कि इसके आसपास जो है कटौती का रहने का पूरा अनुमान है। अपन बात करेंगे आज टॉपिक है अपना की वनपाल भर्ती परीक्षा जो कि 6 नवंबर 2022 के दिन आयोजित की जाती है आपके अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा, उसके लिए अनुमानित कटौती जो है क्या रह सकती है इसके ऊपर अपन बात करने वाले हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे थोड़ी सी कि अनुमान जो है किस प्रकार से लगाया गया है। तो आप सभी को पता है कि टोटल जो पोस्ट है इसके अंदर भर्ती के अंदर वह 99 जो पद है या तो टीएसपी और नॉन टीएसपी के लिए है, और इसके अलावा 19 पद जिसके अंदर से 15 पद जो है नॉन टीएसपी के अंदर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के तहत दिए गए हैं और 4 पद जो है टीएसपी के अंदर दिए गए, यानी कि इसके अंदर ये 99 पोस्ट जो है यही मुख्य रूप से आपके लिए है, जो आपके एक जनरल स्टूडेंट है उसके रहने वाली है। एक पद के लिए जो लड़ाई रहने वाली है वह 2590 पद या फिर यूं भी कह सकते हैं कि लगभग 2500 स्टूडेंट के बीच में से किसी एक को जो है नौकरी मिलने वाली है, लेकिन इसका जो प्रोसेस है वो आप सभी को पता होगा। अभी वनपाल जो है भर्ती का पेपर हुआ है, अभी तो हुआ है पेपर, पेपर होने के बाद में जो है यहाँ पर फिजिकल होगा, फिजिकल के लिए एक अलग से वीडियो जो है आपके लिए अपलोड कर दिया जाएगा कि फिजिकल जो है किस प्रकार से इसके अंतर्गत होता है और क्या क्या होने वाला है वो जो है मैं अलग से डाल दूंगा। तो क्योंकि पहला काम जो है पेपर का जो भी हुआ है, अब सेकंड जो इसका प्रोसेस रहेगा वह रहने वाला है फिजिकल का। तो इस पेपर से इस फिजिकल के लिए क्योंकि एक बार तो 5 गुना के हिसाब से लेंगे, लेकिन ये जो फिजिकल है ये केवल क्वालिफाई के लिए है, जिस प्रकार से राजस्थान एसआई के अंदर होता है कि पेपर और प्लस आप जब फिजिकल के नंबर जुड़ जाते हैं वो फाइनल कटऑफ के लिए बेसिकली इंटरव्यू के लिए आती है, लेकिन इसमें इसका कोई रोल नहीं है। जो इसमें न्यूनतम क्राइटेरिया रखा गया है फिजिकल के लिए वो आपको क्वालिफाई करना है, आप इसको पास कर लीजिए बस, बाकी जो है कटऑफ फाइनल जो है पेपर के नंबर पर ही निकलेगी। लेकिन चूंकि यहां से पेपर से जो फिजिकल में है वो 5 गुना जा रहा है, इसलिए कटऑफ जो थोड़ी सी नहीं जा सकती है। तो इससे इसमें जाने के बाद में क्या कटऑफ डिफरेंस आएगा वो भी प्लस में बात करेंगे। तो पहली चीज आपको बताना चाहिए, इतने पद इतने लोग जो उपस्थित होते हैं और लगभग जो है इतने लोगों के बीच में फाइट आती है एक पोस्ट के लिए। ये आपके सामने सारे के सारे पद लिखे हुए हैं, क्योंकि इसके अंदर निरस्त होगी ओबीसी वाले जो भी कैटेगरी के अंदर है, क्योंकि इसमें ओबीसी जो कैटेगरी है जब आप देखेंगे अन्य पिछड़ा वर्ग तो यहां पर आपको सभी जगह जो जीरो मिलेगा, एक भी जो पद इसमें नहीं रखा गया है फॉरेस्टर के अंदर या फिर वनपाल के अंदर, एक भी पोस्ट जो है ओबीसी कैटेगरी के लिए नहीं है। तो ये थोड़ी सी जो दुख करना है या फिर यूं भी कह सकते हैं थोड़ा सा इसके अंदर जो बोर्ड को ध्यान रखना चाहिए था, जिस प्रकार से हर कैटेगरी के अंदर 5-2-7 पोस्ट दे रहे तो पोस्ट होनी चाहिए थी, जो मैं भी मानता हूं कि मेरे हिसाब से पोस्ट होनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी अपन बात करते हैं एक बार कि वनपाल के लिए गैर अनुसूचित यानी कि नॉन टीएसपी के अंदर कौन कौन से जो पद कितने कितने किसके लिए दिए गए हैं। जैसे कि टोटल पद की अगर बात करें कुल पद तो 79 यानी कि 79 जो पद है ये टोटल है जो कि वनपाल भर्ती के अंदर है किसके लिए, नॉन टीएसपी के लिए, जिसमें से सामान्य के लिए जो टोटल पद है जैसे कि 13 जो है सामान्य पुरुष के लिए आ जाते हैं, 3 जो महिला के लिए है, 2 विधवा के लिए इसके अंदर आते हैं सामान्य रूप से। इसके अलावा इसी नॉन टीएसपी के अंदर गैर अनुसूचित क्षेत्र के अंदर क्षेत्रीय आरक्षण जो है वो भी दिया गया है, हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन है उसके तहत विशेष योग्यजन जो है उनके लिए 3 पद जो है अतिरिक्त रूप से दिए गए हैं, 10 पद जो है आपके भूतपूर्व सैनिक जो एक्स सर्विस में उनके लिए अलग से है, और 2 पद जो है उत्कृष्ट जो खिलाड़ी है उनके लिए दिया गया। तो ये यहां पर जो है अलग से इन 79 से अलग, इसके अंदर ये 10, 2 और 3 यानी कि 2 पद जो है महिलाओं के लिए और 1 पद जो है विधवा के लिए, बाकी यहां पर ओबीसी डब्ल्यूएससी एमबीसी नहीं होता है। तो ये 3 तो यहां पर हो गया, यहां पर इन सभी को जोड़ के तो 20 आएगा, यानी कि सामान्य के लिए सभी के लिए 20 है टीएसपी के अंदर। और टीएसपी के अंदर जब क्षेत्रीय आरक्षण की बात करते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की, तब 1 पद तो आता है आपका विशेष योग्यजन के लिए, 3 पद जो है आपके एक्स सर्विस में भूतपूर्व सैनिक के लिए आते हैं, तो 4 पद जो है यहां से निकल कर आते हैं इसके अंतर्गत, यानी कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन टीएसपी के अंदर तो 4 पद के लिए है और नॉन टीएसपी जो है उसके अंदर 15 पद के लिए है। टोटल यहां पर बात करते हैं तो 79 तो है नॉन टीएसपी के अंदर और 20 पद जो है टीएसपी के अंदर, तो 99 पद तो हो गए वैसे, और प्लस के अंदर 15 तो आ गए आपके नॉन टीएसपी के अंदर सेक्स सर्विसमैन के यानी कि आपके क्षेत्र आरक्षण के, और 4 यहां से आ जाते हैं यानी 19 जो है यात्री रूप से आ जाते हैं, क्योंकि इनका कोई मतलब नहीं है, इनकी कैटेगरी बिल्कुल अलग हो गई है, मुख्य तो फाइटर 99 पोस्ट के लिए रहने वाली है। ये आपके पोस्ट का वर्गीकरण है कि पोस्ट जो है किस प्रकार से इसके अंदर रहने वाली है। क्वालिटी एजुकेशन जो एग्जाम अपना टेलीग्राम चैनल है क्वालिटी एजुकेशन एग्जाम, इसके ऊपर भी एक टिकल जो है उसके लिए कुल पदों का अगर 5 गुना अगर बुलाया जाता है तो ऐसी स्थिति में अनुमानित कट ऑफ क्या रह सकती है। नॉन टीएसपी गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए सबसे पहले जो कैटेगरी आती है वह आती है आपके जनरल कैटेगरी। जब सामान्य की बात करते हैं, सामान्य पुरुष और महिला 2 अलग अलग कैटेगरी है, जनरल मेल के लिए जो कट ऑफ है वह रहने वाली है 91 से लेकर 93 फॉर फिजिकल, अगर 5 गुना बुलाते हैं तो ये क्या है आपके ये मार्क्स है, ये नंबरों की बात हो रही है, ध्यान रखना पूरे पूरे जो है आपके नंबर लिखे हैं यहाँ पर कि 91 से लेकर 93 नंबर तक जो है वह कट ऑफ जा सकती है किसके लिए, फिजिकल के लिए जा सकती है अगर 5 गुना बुलाते हैं। मान लो यहाँ पर 5 से 15 गुना हो जाएगा तो ये कट ऑफ जो है 88 से 89 या 90 तक जो है उसके आसपास ही है कट ऑफ आ जाएगी। तो इस वजह से इंपॉर्टेंट बात है कि कितना गुना बुला रहे हैं उसके ऊपर आ रहा है। तो जनरल मेल के लिए 91 से लेकर 93, जनरल फीमेल के लिए जो है 88 से लेकर 90 के आसपास जो है कट ऑफ का वेरिएशन देने का अनुमान है, क्योंकि ओबीसी के लिए कोई पोस्ट नहीं है यहाँ पर, दूसरी जो कैटेगरी सबसे बड़ी कैटेगरी आती है इसके लिए कोई यहाँ पर नहीं है, तो इसका अनुमान लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सारे सारे जनरल जनरल फाइट करने वाले हैं। तीसरी कैटेगरी जो है आपकी ईडब्ल्यूएस, और मेरा अनुमान है कि जिस प्रकार से एसआई के एग्जाम के अंदर, जिस प्रकार से आपके वीडियो के एग्जाम के अंदर या फिर अन्य भी कोई भी एग्जाम जिसके अंदर फर्स्ट से सेकंड जैसे कि आरएस के अंदर भी अगर 2 या 3 टीयर हो तो ऐसे एग्जाम के अंदर पहले टीयर या दूसरे टीयर के अंदर ओबीसी की जनरल की ईडब्ल्यूएस की एमबीसी की इनके लगभग समान ही कट ऑफ रखी जाती है, जैसे कि ऐसा फिजिकल के लिए भी जो आपके कट ऑफ रखी गई इंटरव्यू के लिए वो फिजिकल के हिसाब से जो है जनरल की ओबीसी की ईडब्ल्यूएस की एमबीसी की इन सभी की एक समान रखी गई है। तो यहां पर भी यही अनुमान है कि ईडब्ल्यूएस के लिए जो कट ऑफ है वो सेम टू सेम जनरल की ही रह सकती है, यानी कि ईडब्ल्यूएस मेल की जो कट ऑफ है वह 91 से लेकर 93 इसके मध्य रहने का पूरा पूरा अनुमान आता है। वहीं ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए जो कट ऑफ है वह 88 से लेकर 90 के आसपास जो है कट ऑफ रहने का अनुमान है। यह एक प्रकार से अनुमान के ऊपर आधारित है, ध्यान रखना है पूर्ण रूप से यह अपन नहीं कह सकते अनुमान लगाया गया है कि हां इसके आसपास यह रहने का अनुमान है। बाकी मान लो कि जैसे मैं अनुमान बता रहा हूं कि 91 से लेकर 93 है और आपके अगर मान लो कि नंबर है कि 80 नंबर है 85 नंबर है और आप पूरी तरह से ऐसा लगा के बैठे तो वो थोड़ा सा मुश्किल काम हो सकता है। मान लो कि आपके 88 है या फिर 87 है तो हो सकता है हो जाए, उसके अंदर कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये अनुमान है, इसलिए अनुमान से मैक्सिमम जो है 3 से 4-5 नंबर का वेरिएशन आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं आ सकता है, इसलिए आपको इस कटऑफ के हिसाब से ही जो आपका आगे का काम करना चाहिए। वापस नॉन टीएसपी के अंदर जो अगली कैटेगरी है 3 होगी, चौथी कैटेगरी जो है आती है आपके एमबीसी कैटेगरी, एमबीसी कैटेगरी के अंदर जो मेल कैटेगरी है मेल जो है उनके लिए जो कटऑफ है वापस वक्त वही 91 से लेकर 93 के आसपास रहने का अनुमान है, जो कि जनरल की है, क्योंकि फिजिकल के बाद में जो है इनके अंदर कैटेगरी का फायदा मिलेगा तब ये कम हो सकती है। फीमेल के लिए जो है 88 से लेकर 90 के आसपास जो कटऑफ है यह रहने का अनुमान है, क्योंकि यह इसके अंदर जो है आपके जो जनरल की फीमेल है उसी के समान ही रह सकती है, ईडब्ल्यूएस की फीमेल की भी समान ही रह सकती है। अगली कैटेगरी आती है आपके ऐसी कैटेगरी अनुसूचित जाति के लिए जो मेल है उनके लिए जो है कट ऑफ 89 से लेकर 91 तक, यह अनुमान है कि यहां तक कट ऑफ रह सकती है अगर 5 गुना फिजिकल के लिए बुलाते हैं तब, क्योंकि 5 गुना भी अगर बुलाएंगे तो लगभग 500 के आसपास 490 जो है स्टूडेंट आने वाले हैं, तो 490 स्टूडेंट ही तो है और मेन जो स्टूडेंट तैयारी करने वाले होते हैं 25 से 30 हजार के आसपास होते हैं, तो उनमें से अगर 500 निकालेंगे तो कट ऑफ वाकई में बढ़ेगी, क्योंकि राजस्थान जीके जो है काफी इजी आया था, इस वजह से जो है लगभग पेपर का 60% के आसपास राजस्थान जीके था और उन 60 में से जो है लगभग काफी स्टूडेंट जो है 50 या फिर आपके 55% तक भी सही किए थे। कई सारे मेरे भी ऐसे स्टूडेंट जिनके ज्योग्राफी में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ, पूरे पूरे राजस्थान जीके में 1 से 2 क्वेश्चन गलत हुआ था, यानी कि 60 में से अगर वो 57-58 तक स्कोर कर रहे हैं, इसका मतलब उनके जाति आपके अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी जो कैटेगरी है इसमें मेल की जो कैटेगरी है उसके लिए लगभग 88 से लेकर 90 के आसपास जो है अनुमान है कट ऑफ जो आपके फिजिकल के लिए रह सकती है, और फीमेल के लिए जो है आपके 85 से लेकर 87 तक जो है रहने का अनुमान है इसके अंतर्गत। ये आपके नॉन टीएसपी जो है इसके लिए आती है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसका जो है पीडीएफ जो है डाल दी जाएगी अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, वहां से भी आप रहने का अनुमान है। पहली बात जो जनरल फीमेल है इनके लिए 87 से लेकर 89 तक यहां तक रहने का अनुमान है कट ऑफ का, वहीं एससी कैटेगरी टीएसपी के अंदर जो एससी मेल है इनके लिए 88 से लेकर 90 के
आसपास रहने का अनुमान है, क्योंकि एससी फीमेल के लिए कोई पोस्ट नहीं है तो उनको जो है वो फिर जनरली फाइट करना पड़ेगा, तो उनके लिए यहाँ पर कट ऑफ का कोई अनुमान नहीं है। एसटी की अगर अपन बात करें, टीएसपी के अंदर एसटी मेल जो है इनकी कट ऑफ लगभग 87 से लेकर 89 तक रहने का अनुमान है, और एसटी जो फीमेल है इनके लिए कट ऑफ जो है 84 से लेकर 86 रहने का अनुमान है। अभी एक कैटेगरी रही है जिसके अंदर काफी बड़ी संख्या के अंदर जो है अपने साथी लोग रहते हैं, जिसको बोला जाता है एक्स सर्विसमैन। और अगर अपन एक्स मैन की बात करें तो एक्स मैन नॉन टीएसपी के जो एक्स मैन है इनकी कट ऑफ जो है कितनी रह सकती है। एक्स मैन की कट ऑफ मुख्य रूप से अगर नॉन टीएसपी के अंदर यदि अपन बात करें किसी की एक्स मैन की, तो नॉन टीएसपी के अंदर यह कट ऑफ लगभग 80 से लेकर 85 तक यह रहने का अनुमान है एक्स मैन के लिए। 80 to 85 जो है एक्स मैन के लिए नॉन टीएसपी के अंदर रह सकती है कट ऑफ। और वही टीएसपी के अंदर अगर अपन अभी कैटेगरी की बात करें एक्स मैन की, अगर टीएसपी कैटेगरी के अंदर अगर हम बात करें एक्स मैन की कैटेगरी के लिए, तो इनकी लगभग जो है अनुमान है कि 65 से लेकर 70 यह मार्क्स जो है रह सकते हैं। आप सभी को बताना चाहिए कि यह नंबर के ऊपर आधारित है, क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर आंसर की कल मैंने और अपने मदन सर।